खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह से। जेल में मिलने पहुंची पत्नी किरणदीप कौर। किरणदीप कौर ने क्यों छुपाया अपना चेहरा। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह इस वक्त असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। तो इसी बीच अमृतपाल सिंह से उसकी पत्नी किरणदीप कौर डिब्रूगढ़ जेल पहुंची। सबसे खास बात तो यह है कि जिस वक्त अमृत सिंह से मिलने के लिए किरणदीप कौर जेल पहुंची थी तो उसने अपना चेहरा छुपा रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। जिस वक्त किरणदीप अमृतपाल से जेल में मिलने पहुंची थी उस वक्त की कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें किरणदीप कौर अपना चेहरा छिपाते हुए नजर भी आ रही है। वही अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर की मुलाकात को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि अमृतपाल से जेल में मिलने के दौरान किरणदीप कौर के साथ अमृतपाल के सहयोगी दलजीत सिंह के परिवार के सदस्य भी साथ में मौजूद थे। दरअसल अमृतपाल का सहयोगी दलजीत सिंह कलसी भी इसी जेल में बंद है और किरणदीप कौर के साथ दलजीत सिंह कलसी की पत्नी नीरू कलसी और उनका बेटा सिमरनजीत कलसी भी साथ में मौजूद था और इन लोगों ने भी जेल के अंदर दलजीत सिंह से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह और किरणदीप कौर के बीच करीब एक घंटे तक मुलाकात चली। जेल सूत्रों की माने तो मुलाकात के दौरान किरणदीप कौर के चेहरे पर उदासी साफ साफ झलक भी रही थी। इससे पहले किरणदीप कौर सुर्खियों में तब आई थी जब अमृतसर में एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया था। तब अमृतपाल सिंह फरार चल रहा था। किरणदीप कौर लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। इस दौरान इमिग्रेशन और अन्य विभागों के अधिकारियों ने किरणदीप से 3 घंटे तक से ज्यादा समय की पूछताछ की और फिर उसको वापस लौटने को भी बोल दिया था। आपको बता दें, अमृतपाल सिंह ने ब्रिटेन की रहने वाली किरणदीप से इसी साल 10 फरवरी को शादी की थी। आपको याद ही होगा कि पंजाब पुलिस ने 23 अप्रैल को खालिस्तानी समर्थक और संगठन वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को मोगा से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसी दिन अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में पंजाब से भेज दिया गया था, क्योंकि इसी जेल में अमृतपाल सिंह के 9 अन्य साथी भी पहले से ही बंद हैं। इसी बीच एक खबर ये भी है कि 27 अप्रैल को 13 सदस्य समूह, जिसमें वारिस पंजाब डे के कार्यकर्ता, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रतिनिधि और कुछ वकीलों ने अमृतपाल सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान अमृतपाल ने एक पत्र भी लिखा था जिसमें उसने कहा था कि ईश्वर के आशीर्वाद से जेल में रहते हुए उनके हौसले बुलंद हैं। उन्होंने पंजाब सरकार पर सिखों के खिलाफ कई फर्जी मामले दर्ज करने का भी आरोप लगाया था। मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक एनएसए के तहत अमृतपाल और उसके साथियों की गिरफ्तारी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी भी चल रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, अमृतपाल सिंह लगातार फरार चल रहा था, बल्कि वो पुलिस को चकमा देने के लिए वाहनों को बदलने के साथ साथ अपना वेश भी बदल रहा था, लेकिन आखिर में पुलिस ने उसे 23 अप्रैल को मोगा के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया था। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।